राम भैया। राम राम भाई। मानव नंद किशोर चौहान छे, हम राजपुर आशा संस्था से आयल छे। भैया तुम्हारो नाम काई छे? हाँ सर, तुम्हारो नाम छे कमल आवासे ग्राम नरौला तहसील राजपुर जिला बड़वानी। भैया तुम ये बताओ कि यहाँ पर तुम काय कर रहे? गहूँ घाम ले रहा था, गहूँ पानी संजाग लगाना को अंदाज लगे रहते, संजाग आए पानी वाल देते वही वाल दे, जल्दी घाम ले वही पहले लग वालू चल चाहिए। एक आध शाम को लाइन आओगा तो पहले मन को अनाज घनौन लग जाएगा, यहाँ घूमी फिरी रोज घनौन लागू। भैया तुम मुझे ये बताओ कि घोंड में कितना पानी लगी जाए और केना केना समय पर मतलब देवनु चाहिए इनका लिए? कोई समय निर्धारित है कि दियाज करो पानी? हाँ तो सर तुम पानी के बारे में पूछी रहा नहीं, तो पहलो पानी कितना दिन में देणु ये ना हिसाब से, तो पहलो पानी 20 रोज का बाद देणु वावण बाद में, और दूसरो पानी 12-15 रोज में। तो ऐसा करिए तीन अच्छी जगह तीन चार तीन पानी में घवाई जाए ना, हल्की जगह में 4 या 5 पानी लगे जमीन के हिसाब से रहे। तो वना मान से पानी जमीन कभी अच्छी हाई फाई हुई भारी जमीन वो कम 3 पानी में पूरा घो पक जाए ना, हल्की जमीन में 4 या 5 पानी लगे नहीं, वो भी 12-15 रोज का बाद सब चल रहा पानी इना हिसाब से देवा नाम। भैया तुम मगे ये बताओ कि सिंचाई तुम कैसी करो? हाँ तो हमारा पास कुआ है प्राइवेट, वहाँ मोटर रखेल से मोटर से सिंचाई करा पानी वाला कोई खेत नहीं आती वाला कि तलाव आसपास होता, हमारा पास तलाव ही नहीं है ज़्यादा, दूसरा खेत में ले जानू रहे तो वहाँ पाइप लाइन को साधन होना, एक आध सिंचाई करा नहीं पानी वाला। अच्छा भैया तुम मगे ये बताओ कि पानी वाला में कई सावधानी रखनी चाहिए? हाँ तो सावधानी भैया ये रखना चाहिए, पहले पानी 20 या 25 रोज का अंदर अंदर दे देना चाहिए, और दूसरों 45 रोज का अंदर अंदर, और तीसरों पानी वही 60-70 रोज का अंदर, चौथों पानी 90 से 95 रोज का अंदर अंदर देवा चाहिए, तो पूरा गाँव अच्छा पकी जाए, बारीक पड़ने की जरूरत नहीं रहती। पानी वाला लेना पहली सावधानी तो अपने वावा जावा ढाल अच्छा बनाना चाहिए, वो रात में भी पानी लगावा तो फूट टूट नहीं हुई नुकसान नहीं हुई, ढाल सही साढ़ देगा अच्छा सवार देवांगा तो फिर पानी नुकसान नहीं होता ना, और कहीं अच्छी रात में वालना परेशानी नहीं रहती। ये अपन छे नहीं, ये दूसरी बात पानी का अपने ने उबीन वालना चाहिए, हाँ ढाड़िया पर एक ढाई एक ढाड़िया में छोड़े पानी नुकसान नहीं होगा, तो ज़्यादा सिंचाई होगी ना अपन लगे ना पानी वाला तो नुकसान हो नहीं। अच्छा भैया तुम मुझे ये बताओ कि घोंड में तुम इना हिसाब से पानी वालो तो एक तुमको फायदो का ही खड़ो रहने पानी वाला को यो अपन खड़ो रहने वाला तो कहीं फसल पूरी पाक अच्छी उख सूख नहीं रहती, कहीं सुखाई थी जमीन ये वो फसल भी अच्छी पाक और पानी की बचत हो दूसरी जगह सिंचाई कर सकन ज़्यादा जमीन में, यो फायदो अपन ज़्यादा करी नहीं। ये अभी पानी बचाई लो तो बाद में अपने काम दे रोपा नाकना गर्मी कपास लगाना काम में आवे ना, अभी अपन नुकसान कर दिया पानी वाड़ी लगे लगे खत्म कर दिया तो कुआ को वाटर लेवल खत्म हो जाए नहीं, अपन खड़ा रहने वाला तो पानी कुआ में बचत रहेगा तो बाद में काम में आवे। जो समय निर्धारित करे थे मैं बताया थे एना हिसाब से अपन पानी वाला 3 या 4-5 पानी वाला तो फसल अच्छी पाकेगा तो ज़्यादा उत्पादन होगा, फसल कहीं गहूँ बारीक पड़न कहीं खराब हो नहीं। यार भैया तुमने जो गहूँ में पानी वालना की बहुत बढ़िया मेरे को विधि बताई तो ये कल्याण बहुत बहुत धन्यवाद, पर तुम ये ना जो यानी विधि के संबंध में अन्य किसान भाई ने का संदेश देना चाहोगे? सब किसान भाई ने मारो राम राम। हाँ ये कहना चाहो तो सब किसान भाई 3 या 4 पानी जमीन के हिसाब से पानी गहूँ अच्छा वाला तो अच्छा उत्पादन रहेगा, ये बताना हो चाहूँगा सब किसान भाई ने बताऊँगा। मारो कहना को किसान भाई ना का फायदा छे थी सब पानी का उबीन वाला तो नुकसान नहीं ज़्यादा होगा, ज़्यादा फसल उत्पादन होगा, एक ऐसी नुकसान मत करो, लाइट एक तो कम चल रही तीसरा रोज की चलन नहीं, सब भाई ना को मारो ये कहना को छे सब नुकसान मत पानी करो, बचत रहेगा तो बाद में गर्मी में काम मत देगा, मिर्ची रोपो डालना में कपास लगाना में, नहीं तो अभी पानी का नुकसान कर देगा लगे लगे ना तो फिर फसल अभी मार खाइए कल सूखी कल आली ना सी रह जाएंगी, एक ऐसी सब पानी को नुकसान मत करो न बचत करो न उबीन वालों सब फसल नुकसान नहीं होगा उत्पादन अच्छा रहेगा, सब किसान भाई ने कहा महाराज छे सब ने कहना को सब किसान भाई ने महार राम राम। कमल भाई तुमने जो छे ने मक गहूँ में पानी वालना का संबंध में बहुत बढ़िया जानकारी दी, एक कल्याण तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।